गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के मतपेटियों की सुरक्षा के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर 3 लेयर में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव सम्पन्न हो गया है और गत मतपेटियों को गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को 3 लेयर में बनाई गई है, जिसमें सबसे पहले स्ट्रांग रूम के बाहर एक आइसोलेशन कॉर्नर बनाया गया है, वहां पर प्रवेश वर्जित है। यदि कोई अधिकारी वहां चेक करने के लिए जाता है तो वहां पर रजिस्टर में एंट्री करेंगे और सीसीटीवी की निगरानी में सभी कार्य करेंगे, क्योंकि मतपेटियों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। इसके बाद आइसोलेशन के बाहर इनर कॉर्नर की व्यवस्था की गई है, जो कि वाणिज्य भवन का जो प्रवेश द्वार, वहां से लेकर प्रवेश द्वार तक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहां पर आयुक्त महोदय द्वारा नामित व्यक्ति व प्रत्याशी ही केवल जा सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को देख सकते हैं। इसके अलावा उसके बाहर 3रा लेयर बनाया गया है, जो कि दीक्षा भवन से लेकर विश्वविद्यालय के गेट तक बनाया गया है। उस एरिया में भी प्रत्याशी ही केवल जा सकते हैं, आम व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा विश्वविद्यालय गेट पर भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रांग रूम के पास ना जा सके। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय गेट से स्ट्रांग रूम तक 250 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि 2 शिफ्ट में स्ट्रांग रूम को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, किराए पर वहाँ पे एक बैरियर लगाए उसी जगह छोड़ो, अधिकारी लोग उधर से आएंगे, अधिकारी लोग उधर से आ जाएंगे, हाँ इसी से आ जाएंगे, अपना चेक कराते हैं। क्या फर्क, डीएम साहब, एसएसपी साहब, आप जयपुर साहब, कमिश्नर साहब आते हैं तो उनकी गाड़ी वहाँ से उनकी गाड़ी को भाई देखिए, जो भी जीओ जिसको कहते हैं सर, ये स्पेस खाली रहे, लेकिन ठीक है आ जाए, वो तो सब कोई सुने, वो तो यहाँ तक गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के संबंध में वाणिज्य भवन संकाय गोरखपुर में स्ट्रांग रूम मतपेटिकाओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 लेयर में बनाई गई है। सबसे पहले स्ट्रांग रूम के चारों ओर एक आइसोलेशन कॉर्डन बनाया गया है, वहाँ पर किसी का भी प्रवेश अनुमन्य नहीं है, केवल वहाँ ड्यूटीरत कर्मचारी जाएंगे। कोई वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे व्यवस्था चेक करने जाएंगे तो बाकायदा रजिस्टर में अपनी एंट्री करेंगे, सीसीटीवी कवरेज उनका रहेगा। इसके बाद आइसोलेशन के बाहर एक इनर गार्डन की व्यवस्था बनाई गई है, जो कि वाणिज्य भवन का जो मुख्य प्रवेश चैनल द्वार है उसके बाहर से बैरिकेडिंग तक का पूरा एरिया इनर गार्डन है। उस एरिया में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। ड्यूटीरत पुलिसकर्मी अथवा माननीय आयुक्त गोरखपुर मंडल द्वारा नामित या अधिकृत व्यक्ति एवं कैंडिडेट ही वहां तक जा सकते हैं और वहां सीसीटीवी में अपना स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन कर सकते हैं। इस बैरिकेडिंग के बाहर वाणिज्य भवन के चारों ओर 3री लेयर बनाई गई है, जिसका एक्सटेंशन दायनी और दीक्षा भवन तक और बाईं ओर हाइब्रिड तिराहे तक किया गया है। इस एरिया में भी ड्यूटीरत कर्मियों के अलावा अथवा जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा या उनके एजेंट के अलावा किसी का भी प्रवेश यहाँ पर
वर्जित हैं पूरे तरीके से, दोनों तरफ से बैरियर लगाए गए हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार एवं अन्य स्थानों पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि अनावश्यक रूप से कोई भी विश्वविद्यालय में प्रवेश करके और जो हमारा स्ट्रांग रूम है उस दिशा में कोई ना जाने पाए। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के लिए साकुशल निर्भिन्न एवं तुष्टतापूर्वक जो है गोरखपुर पुलिस द्वारा संपन्न कराए जाने की कड़ी व्यवस्था की गई। सर कितने पुलिसकर्मी स्ट्रांग रूम सुरक्षा में? हमारे 237 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, जिनकी 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है।